मोतिहारी के धर्म समाज मोहल्ले में। हम आज आपको रूबरू कराएंगे इस मोहल्ले के समस्याओं से। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो इस मोहल्ले के निवासी हैं, जो हमें बताएंगे उनके मोहल्ला में क्या समस्या है। तो चलिए बातों की शुरुआत करते हैं। बताइए आपके मोहल्ले की क्या समस्या है? मोहल्ले की समस्या जो है रोड और नाला की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ एक नाला जो अभी आप देख रहे हैं जो बन रहा है, वो दो मरतबा बना, दोनों मरतबा सक्सेस नहीं हो पाया। तीसरी मरतबा हाथ लगा है, पता नहीं वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। यही सब प्रॉब्लम है। ये जो आप पोखरा देख रहे हैं यहाँ पे, ये पोखरा जो है पहले जब तक हम लोग छोटे थे तो बहुत साफ सुथरा रहता था, मगर नगर पालिका वगैरह की उपेक्षा के कारण देखिए कितनी गंदगी लगी हुई है। यही सब तो परेशानी है। मोहल्लेवासी जो है रह रह के जो है कंप्लेन करते हैं, सफाई नहीं होती है, न झाड़ू पड़ता है रोड पे, न कचरा उठता है। यही सब प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले की। जैसा कि बता रहे थे कि मोहल्ले में नाले का निर्माण तीन तीन बार कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, हो रहा है, बावजूद इसके अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 30% पानी का निकासी उस मुख्य नाला से, लेकिन अभी कुछ के 6 माह पहले वहाँ के रोड और नाला दोनों का एस्टीमेट बना। एक दुर्भाग्य है कि हर जगह नाला और रोड एक साथ नहीं बनाने के चलते क्या होता है कि रोड बन जाती है और नाला का फिर लिए हो जाता है, जिसके चलते रोड फिर टूटने लगता है, नाला बन नहीं पाती है। तो वहाँ भी यही चीज हुई है, रोड बना है और नाला इंक्रोचमेंट हो गया, नाला घट गया है और अभी तक नाला नहीं बनाने वाले। 3 माह जो बरसात के थे उसमें 3 माह कंटिन्यू पूरे रोड से पानी लगकर मोहल्ला के बच्चे तो स्कूल गए ही नहीं, महिलाएं भी या कहीं भी किसी भी स्वास्थ्य बहुत सारी परेशानियां। लेकिन अभी तक नगर परिषद या PWD या आम पब्लिक को ये पता नहीं कि वो तो सामान्य नागरिक है, लेकिन जिनकी भी बीमारी है उनको रोड के साथ साथ नाला का भी निर्माण और पानी के निकास सही जगह पर ले जाना चाहिए। तो यह एक 30% नाले के मुख्य निकासी को बाधित करके और वहाँ उस नाले का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, वो जगदम्बा नगर जमला रोड में, वो एक समस्या है। दूसरी एक समस्या क्या है कि खासकर इस पोखरा के यहाँ कुछ असामाजिक तत्व है। यहाँ चार दीवारी न होने की वजह से पर्व त्यौहार के अवसर पर असामाजिक तत्व को वितरण करते रहते हैं, जिससे थोड़ी सी परेशानी होती है। और थोड़ा अन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत पुलिस गश्ती न होने से हमेशा मोहल्ले में न कहीं रात्रि में कोई भी व्यक्ति अगर गांव से दूर हो जाकर घर बंद करके जाते हैं तो उनके माह में 2-4 जगह चोरी जरूर हो जाती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए। सबसे पहले सावधान तो यही पोखरा का है, यही पोखरा के जल मंदिर में चढ़ रहा है। आज ये पोखरा के मंदिर में पाइप नहीं है, ये पोखरा के जल से मंदिर की पूजा कैसे होगी? ऐसे पोखरा तो जीवन में नहीं देखा। बंद की बात ना, नहीं छोटे छोटे बच्चा बात बहुत बीमारी का सब दिक्कत आने के गंदगी हो जाए रोड बन जाइए हमको बहुत अच्छा दिखता है, बच्चा खेलते हैं तब जगी वाला गंदगी सब आदमी के बहुत बीमारी के सबके दिक्कत हुआ। सबसे बेसी हमें बगल में सटल में घर में बरसात पकड़े तो घर में पानी खेल रहे पीलू वाला सब घुस जाला घर में। चलिए और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनके मोहल्ला की क्या समस्या है? बताई नहीं बिजली से, सभी पुल पर बिजली गायब है, पुल के किसी पर गई है। इस वार्ड वाली कहती है कि उधर उस वार्ड पहले का है, जब लगता ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट का बल्ब होनी चाहिए। उसके अलावा नाला जो है तो कई बार बना, अभी फिर बन रहा है, शायद यही सक्सेस होगा कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका लेवलिंग भी सही नहीं है। और नाला का पानी तो इस तरह में ही गया तो अब सब कुछ मिल लिए। कुछ दिन पहले जो है इसको नाला का पानी जो है इसमें बहाव की गई पोखरा में, जब हमने एप्लीकेशन दिया DM के पास पालिका में दिया तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अब देख रहे हैं पानी ही पानी है इधर कोई काम। नाला जो है बन रही है या भाग उधर मैंने 2 मरतब बन चुकी है, इस आकर मरते हाथ लगाइए भी अच्छा होगा कि नहीं, ये तो इसके अधिकारी बतलाएंगे। और पुल पर जो है लाइट जो है जलती रहती थी वो अब नहीं जल रही है, पर नया परिवार तरफ से जो भी सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही, रात में अंधेरा में सफर करते हैं और असुविधा हम लोग महसूस हो। मोतिहारी के अन्य मोहल्ला की तरह ही इस मोतिहारी के वार्ड नंबर 13 और 14 का भी समस्या है। 14 में जहाँ पे तालाब एक काफी महत्वपूर्ण तालाब जहाँ पे 5 मोहल्ला के लोग महिलाएं जाती है छठ पर्व करने, वो तालाब का समस्या है। वहाँ गंदगी और नाले का पानी का अंबार बना हुआ है। तो वार्ड नंबर अगर 13 में हम लोग बात करें तो सड़क का निर्माण यहाँ पे नहीं हुआ है, बीच में सड़क छोड़ दिया गया है, नतीजा गड्ढे में भी कई लोग आए दिन गिरते रहते हैं। अभी तक बिजली का इस मोहल्ले में इस वार्ड में अब तक बिजली का पोल नहीं पहुँचा हुआ है, नतीजा लोग अपने बांस के बल्ले पे ही बिजली जलाने को मजबूर है। निश्चित तौर पे बिजली विभाग को नगर परिषद को आगे आना होगा और इस वार्ड नंबर 13 और 14 पे ध्यान देना होगा। पंकज कुमार, G मीडिया, मोतिहारी।